अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इशर किचन में आपका बहुत ही बैग से वेलकम है। उम्मीद करते हैं आप लोग कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार टेस्टी सी पोटा कलेजी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल बनाए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, आप मुझे अपना बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमें पोटा कलेजी बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है पोटा और कलेजी। आधा किलो मैंने कलेजी ली है और आधा किलो मैंने पोटा लिया है, यानी कि टोटल हमारा पोटा और कलेजी एक किलो हो गया है। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया नमक 1/2 टीस्पून के करीब, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया अक्खी धनिया और 1/2 टेबलस्पून मैंने ले लिया यहाँ पर हल्दी, 100 ग्राम मैंने लिया है तेल, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और ये हमारे खाने की जान हरा धनिया थोड़ा सा, और 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। तो चलिए, हमने अपनी पोटा कलेजी तो वैसे धो के रख, बट जैसे कि आपको पता है कि पोटा और कलेजी में थोड़ी सी स्मेल आती है, तो हमें वो ख़त्म करना है, इसलिए हम अपनी पोटा और कलेजी को थोड़ा सा बॉईल करेंगे। तो चलिए, उसके लिए हम अपनी गैस ऑन करते हैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गैस पर हम रख देंगे अपनी एक कढ़ाई। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे पानी। मैं यहाँ पर 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम पानी में ऐड करेंगे अपनी ये अक्खी धनिया, हल्दी पाउडर, और इसी के साथ साथ जो हमने अपनी लहसुन की कलियाँ ली थी वो भी हम इसमें कट करके ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, बस इस तरह से हम इसको कट करेंगे, 2 पार्ट में देखिए मैंने डिवाइड किया, इसको हम अपने पानी में ऐड कर देंगे। इससे जो हमारी कलेजी और पोटे में जो एक स्मेल होती है, बिसाइंड होती है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी कलेजी और पोटा खाने में बड़ी मज़ेदार हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से पकाएंगे, एकदम साफ़ सुथरे तरीके से, ताकि इसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना आए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर दी, अब इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो हम अपनी पोटा और कलेजी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में खूब अच्छे से बॉयल आ चुका है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ये पोटा और कलेजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट हो चुके हैं हमारी कलेजी को बॉईल होते हुए, खूब अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो अब हम इसको एक बार फिर से अच्छे से और धो लेते हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं इसको धोने के बाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पोटा कलेजी फिर से एक बार अच्छे से धो ली है। पहले एक बार हमने अच्छे से धोई थी इसको, फिर हमने इसको बॉईल किया और फिर से एक बार अच्छे से धो लिया है। और ये देखिए हमारी कलेजी कितनी बड़ी बड़ी साइज़ में, तो हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी रखना है। मैं अपनी कलेजी पोटे की साइज़ की रखूँगी। ये देखिए, बस जैसा हमारा देखिए पोटा है, उसी साइज़ की हमारी कलेजी हो गई है। तो बस हम इक्वल पार्ट में इनको कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी कलेजी को कट कर लिया है, अब हम इसको रखते हैं साइड पर और इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले अपनी गैस ऑन करेंगे। गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे ऑयल। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 100 ग्राम ऑयल लिया है, ये हम अपनी कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ये प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए, हम अपनी प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज को अच्छी फ्राई हो चुकी है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पोटा। इस मोमेंट पर अपनी कलेजी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ पोटा ऐड करेंगे, क्योंकि पोटे को गलने में टाइम लगता है, कलेजी हमारी जल्दी गल जाती है, इसलिए हम कलेजी बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसमें पूरा अपना पोटा ऐड कर देंगे। और चलिए, पोटे के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मसाले। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसको हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो ये देखिए, हमारा अदरक लहसुन खूब अच्छा भून चुका है, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने और दूसरे मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स। और चलिए, इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट लगे हैं और हमारे मसाले को माशाल्लाह अच्छे से भून चुके हैं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। देखिए कैसे मैंने बारीक बारीक कट करके टमाटर ऐड किए हैं, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। और चलिए, इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे इसमें 1/2 कप के करीब।
और अब हम इस पानी में बॉईल आने देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है हमारी पोटा कलेजी, मतलब अभी तो सिर्फ पोटा है, अभी कलेजी हम इसमें ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा पोटे को गलाएंगे, उसके बाद हम कलेजी ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसको ढाँक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पोटे को पकते हुए 5 मिनट कंप्लीट हो गए, तो हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह फ्रेंड्स, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। और चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कलेजी। हमने पोटे को 5 मिनट पकाया है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि हम इसे अभी कलेजी के साथ भी पकाएंगे। पर ये हमारा समझ लीजिए 50% पक चुका है। और चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कलेजी। बिस्मिल्लाह। और चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मसाले के साथ अपनी कलेजी को। और ये देखिए मैंने कलेजी भी खूब अच्छे से मसाले मिक्स कर दिए है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारी कलेजी और पोटा दोनों चीज़ खूब अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसको ढक देते हैं और 10 मिनट तक हम इसको गलने देते हैं। तो ये देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट कम्प्लीट हो गए, हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। और चलिए हम इसको चेक करते हैं ये गली है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह खूब अच्छी गल चुकी है। तो चलिए हम गैस की फ्लेम हाई करते हैं और इसको भून लेते हैं। तो चलिए पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे खाने की जान हरा धनिया थोड़ा सा, क्योंकि भुनने में जब ये हरा धनिया डाल लो तो इसका थोड़ा सा फ्लेवर हमारे पोटा कलेजी में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब हम इसको अच्छे से खूब भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह पोटा कलेजी खूब अच्छी भुन चुकी है। इसे हम ऐसे ही रखेंगे सूखी सूखी, कोई हम ग्रेवी वगैरह नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम इसको दाल रोटी और चावल के साथ एंजॉय करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा इसी भुनी भुनी खाने में। तो चलिए बस हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसफर करते हैं बोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको गार्निश करते हैं थोड़े से हरे धनिए से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है माशाल्लाह हमारे टेस्टी से मज़ेदार सी पोटा कलेजी। तो ऐसे आप भी जरूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी फ्रेंड्स में भी बुलाइए, मुझे प्यार प्यार कमेंट्स करिए। इंशाल्लाह तब फिर मिलूंगी आपसे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।